गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है आम का मुरब्बा बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आम का मुरब्बा। आम का मुरब्बा बनाने के लिए ये हमने 1 किलो आम लिए हैं, इनको हमने छील लिया है, और ये हमने 1 बाउल चीनी, और ये हमने थोड़ी सी केसर की धागे लिए हैं, इसको मैंने पानी में भिगो दिया था, और ये इलायची पाउडर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये एक मैंने पतीला लिया है, पहले मैं इसमें 1 गिलास पानी डालूंगी। ये मैंने 2 गिलास इसमें पानी डाल दिए हैं। अब मैं पानी को उबलने दूंगी। जब तक हमारा ये पानी बॉयल होता है तक मैं आम को कट कर लेती हूँ। इसी प्रकार से मैं अपने आम को कट कर लूँगी। ये मेरे आम थोड़े से पकने लगे हैं। ये हमारे आम कट हो चुके हैं, हमारा पानी बॉईल हो चुका है। अब मैं ये सारे आम पानी के अंदर डाल दूँगी और इसे मैं ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए, 5 से 10 मिनट तक इसे उबलने। तो आइए चेक करते हैं। और ये हमारे मैंगो बॉईल हो चुके हैं। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और मैंगो को पानी से बाहर निकाल लूंगी। और ये हमने मैंगो को पानी से निकाल लिया है। अब हम चाशनी तैयार करेंगे। अब जो हमारे पास ये मैंगो वाला पानी बचा हुआ है जिसमें हमने आम को उबाला था, इसी में हम चाशनी तैयार करेंगे। हम इस पानी को गिराएंगे नहीं। ये हमने 1 बाउल चीनी ली है और साथ ही मैं इसमें ये केसर के धागे डाल दूंगी जो मैंने पानी में भिगो के रखे हुए थे। ढाई चम्मच मैं इसमें इलायची पाउडर डालूंगी। मैं 1 तार की चाशनी बनने दूंगी और ये हमारी 1 तार की चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब जो ये मैंगो हैं, अब मैं इसमें थोड़े थोड़े करके इसमें डाल दूंगी। मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। मैं और इसे 1 से 2 मिनट तक और पकने दूंगी जिससे कि चाशनी आम के अंदर तक चली जाए। और ये हमारा मुरब्बा बनकर तैयार हो चुका है और देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इसे 1 बाउल में सर्व करूंगी। ये हमारा आम का मुरब्बा बनकर तैयार हो चुका है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।